हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? हमारा चैप्टर जो फिफ्थ था, लॉज ऑफ मोशन, वो ख़त्म हो चुका है, चैप्टर फोर आई गेस। और अभी हमने चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट किया है, विच इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके ऊपर भी मैं दो वीडियोस डाल चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा जो वर्क होता है उसका इंट्रोडक्शन डाला है, बेसिक उस पर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करी। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की एंड कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अगर टाइम बचा तो हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? बेसिकली ये अलग से किसी टाइप फोर्स का टाइप नहीं है, दीज आर टू कैटेगरीज जिसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस आते हैं। अगर मैं बात करूँ कंजर्वेटिव फोर्स की, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिन पे जो वर्क डन होता है ना, जिन फोर्सेस के अंदर जो वर्क डन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से पाथ से वर्क डन हो रहा है, डिपेंड करेगा कि उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस आर दोज फोर्सेस फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। और इसका हाईलाइटेड पॉइंट होगा डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन से पाथ से वर्क डन हो रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल हमने एक वर्क डन किया है ऐसा कुछ, चाहे हम लोग यहाँ से जाए और यहाँ हमको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमको ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो अगर हम लोग ये वाला पाथ ले चाहे ये वाला पाथ ले, दोनों ही केस में वर्क डन सेम होगा, बिकॉज इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ये इस पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और कहाँ पे आप एंड कर रहे हो, तो फाइनल पोजीशन क्या है। चाहे पाथ ये वाला लो, चाहे ये वाला पाथ लो, चाहे कोई बीच में से ऐसे वाला पाथ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिपेंड ये करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या, फाइनल पोजीशन क्या है। तो वो होते हैं हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज। और कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जाम्पल कौन से हैं? अगर मैं इसके एग्जाम्पल बात करूँ तो इसके अंदर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और क्या बात कर सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये सारे के सारे जो है ना, वो किसके अंदर आते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस के आते हैं। चलो हमने ये बोल दिया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस जिसके अंदर वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन हम इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे? फिजिक्स है तो हमको पहले चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी ना, सिर्फ स्टेटमेंट से काम तो नहीं चलेगा। तो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना, उसके अंदर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम लोग को जाना है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और हम लोग कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग ऐसे और ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार बना देती हूँ। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कि हम लोग सेम वे ही हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया। अब हमने यहाँ पे स्टेट्स लगा दी और हम लोग स्टेट्स से जा रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में स्टेट्स है और हम लोग स्टेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए। तीसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारा केस, और अब हम लोग कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इसको ओ दे दो। अब
तो हमारे पास तीन केसेस है, हम लोग पहले केस में ए से ओ तक जाएंगे, फिर ओ से बी तक जाएंगे, दूसरे केस में ए से बी तक जा रहे हैं लेकिन कैसे जा रहे हैं, स्टैट से जा रहे हैं, और तीसरे केस में हम लोग इस वर्टिकल, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसके थ्रू जा रहे हैं ए से बी तक। तो तीनों ही केस अलग है और तीनों में ही पाथ अलग है, इसमें ये वाला पाथ ले रहा है, इसमें पाथ दोनों में सेम है, लेकिन ये स्टैट्स के थ्रू जा रहा है और ये कैसे जा रहा है, डायरेक्टली इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है। तो अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, हम लोग को वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन में हमको देखना पड़ेगा, हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है ना वो अलग अलग फोर्सेज के थ्रू होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा वर्क काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने सब में ले लिया, स्मूद है, ये भी सरफेस स्मूद है, ये भी स्मूद है, स्मूद है, तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो उसके अलावा हम लोग ने ये मान लिया कि हमको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका पार्ट होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का पार्ट हो रहा है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालूँ ना तो ये तीनों में वर्क डन सेम आना चाहिए फिर, बिकॉज इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन हमारे तीनों ही केसेज में सेम है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो हमने बात कर लिया कि ये कोई मास एम है, कोई तो चलेगा, उसका कुछ मास भी होगा, और ये मास है नीचे की साइड एम जी हो जाएगा। अब ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले अगर मैं ए ओ की बात करूँ ना, तो ए ओ की बात करूँ तो आप देखो फोर्स की डायरेक्शन नीचे और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ए से ओ तक, और हमारा जो वर्क डन है उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस या डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उनके बीच का एंगल हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन हो गई नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो AO के लिए हमारा वर्क डन अगर AO निकालूं तो कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, चलो कोई नहीं एक बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में। प्लस फिर ये पार्टिकल आ गया इधर, अब इसको यहाँ से यहाँ जाना, ऐसे ही जाएगा ना, पहले इस रास्ते से जाएगा फिर ऐसे ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एम जी की डायरेक्शन यही हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस बार दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखो ये पॉइंट ओ हो गया ना, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, फोर्स नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो ये हम लोग लिखेंगे एफ एस, एफ मतलब एम जी, हाँ मैं एम जी नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं लिख दूंगी एम जी बाद में, चलो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो हमारा जो टोटल वर्क डन है ना वो कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस एफ एस, या फिर मैं इसको लिखूंगी माइनस का एम जी, और इस पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल रही हूँ हाइट कितनी है मेरी एच, डिस्प्लेसमेंट यही वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक यही डिस्प्लेसमेंट हमको लेना है, तो ये क्या हो जाएगा एम जी एच। तो सबसे पहले इस वाले मेथड से, इस वाले पाथ से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आई, माइनस का एम जी एच, चलो ठीक है ये भी आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, हमने पहला एक क्वेश्चन भी किया ऐसा, हम ले लेते हैं कि जो स्टेयर है उसकी ब्रेथ है बी और इसकी हाइट कितनी है एच, ये एच ये बी, इस टाइप से टोटल सबका सेम ही है, सेम है सबकी हाइट सेम है और सबकी ब्रेथ सेम है। अब हमें यहाँ से वर्क डन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेयर की बात करते हैं, ठीक है इस स्टेयर की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो इस पे जा रहा है, तो इसका फोर्स एम जी की बात करें, मान लो वो यहाँ पे है, ठीक है वो यहाँ पे है और उस पर एम जी कैसे लग रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे है, एम जी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एम जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हाइट हमने कितना बोला है, अरे टोटल हाइट लेना है, चलो हम लोग इसको ले लेते हैं स्मॉल, क्या ले हम इसको, सबकी हाइट सेम है ना, तो इसको हम लोग कैपिटल एच ले लेते एक बार ताकि कुछ हो जाए, ये जो हाइट है ना हमारी वो कितनी है कैपिटल एच, कैपिटल एच ले लेते, तो हम ये मान रहे हैं ये कितना है स्मॉल एच। तो अब आप देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्टेयर्स है, तो ये जो टोटल हाइट होगी ना उसमें इसकी ब्रेथ तो काउंट नहीं होगी, हाइट ही काउंट होगी ना, ये देखो ऐसे देख लो, ये 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 ऐसे, तो जो टोटल हाइट है ना कैपिटल एच वो किसके बराबर होगी, कैपिटल एच लगाकर एन मल्टीप्लाई बाय एच, ही हमने ऐसा पहला भी पढ़ा है क्वेश्चन, ये वैल्यू होगी। अब एन हमको नहीं पता स्टेयर्स में कितने नंबर है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एन एच है,
और अब चलो अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट में देखो, फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग हमारा वर्क डन लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या हो गया, माइनस का एम जी स्मॉल एच होगा, स्मॉल एच है ना, ये स्मॉल एच हाइट हो गया, बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया और कॉस 180 क्या होता है माइनस, तो मैंने डायरेक्टली माइनस एम जी एच लिख दिया है। अब हम लोग वर्क डन निकालते हैं इसकी वजह से। मैं कोई ऊपर ले लेती हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देखो क्या होगा, फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एम जी तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही लगने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, पार्टिकल इधर है, यहाँ पे फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन के अंदर है ना, तो बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, तो इसकी वजह से जीरो। इसी टाइप से हम लोग पूरे करते जाएंगे ना, तो जो ब्रेथ वाला पार्ट थे ना, इसकी वजह से हमेशा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज हर केस में एम जी और इसकी डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है, तो ये जीरो ही होगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, और इनको मैं सम करूँगी ना तो टोटल आएगा माइनस का एन एम जी एच आएगा। ये टोटल नंबर मान लो कि नंबर ऑफ स्टेयर्स 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, माइनस का 10 एम जी एच। और हमें पता है कि कैपिटल एच किसके बराबर होता है, एन एच के बराबर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का एम जी कैपिटल वाला एच हो गया। चलो ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या सीन है, हमारे पास पार्टिकल है, अब देखो इस पूरे इंक्लाइन पे लिया एंगल हमने ले लिया थीटा, तो कहीं पे भी रखो एंगल तो थीटा ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया हमारा मास एम, ये है इसका पाथ, ये वाला है। अब इस पे फोर्स क्या लग रहा है, ये लगेगा एम जी, और हमें कंपोनेंट्स निकालने आते हैं, ये कंपोनेंट क्या होता है एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है एम जी साइन थीटा होता है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं हाइट एच, और ये पूरा का पूरा जो इसका जो लेंथ है ना वो हम लोग ले लेते हैं एल, ठीक है ना, एल हमने लेंथ ले लिया। अब देखो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी फोर्स की, और अब देखो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है ना दोनों को हमको सेम लेना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, हमने इसको क्या ले लिया डिस्प्लेसमेंट डी एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही तो जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया। और इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स कौन सा लग रहा है, इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे हम लोग एम जी नहीं ले रहे बिकॉज इस एम जी की वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, एम जी साइन थीटा, और फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना उस डायरेक्शन का फोर्स हमको निकालना है, अगर वो उस डायरेक्शन में नहीं हो तो हम लोग एंगल वाला फोर्स लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, तो अगर यहाँ पे मुझे वर्क डन निकालना है तो कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये मैंने बीच में बनाया सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन उसने स्टार्ट तो ए पॉइंट से गया और ख़त्म कहाँ पे करा, बी पॉइंट तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेंथ एल नहीं होगा, लेंथ एल और बीच, और ये हो गया, और एम जी साइन थीटा अपॉन मल्टीप्लाई बाय एल, चलो ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू टी इक्वल्स टू, और ये माइनस का आएगा, सॉरी मैं भूल गई, एम जी साइन थीटा और लेंथ, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलो ठीक है, माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब हम लोग लिखेंगे माइनस एम जी एल, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, एच अपॉन एल, तो माइनस एम जी एल एच मल्टी डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वर्क डन क्या बचा, माइनस का एम जी एच हुआ। अब आप देखो, हम लोग अलग अलग पाथ से गए लेकिन वर्क डन तीनों में सेम आ रहा है, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जिस फोर्स की वजह से हमने वर्क डन निकाला वो क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। चलो ये बात हो गई, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अभी हमने बात करी कि हम लोग
किसी भी, जैसे हमारा ये कोई पाथ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमने ऐसा पाथ लिया है जहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। हमने बोला ना कि टोटल वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अगर पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट करा और वापस घूम के इधर ही आ गया, तो इस केस में तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा ना, तो हमारा जो वर्क डन होगा ना, टोटल वर्क डन, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें ना, कि ये वर्क डन किसे कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हो रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, स्प्रिंग हो वगैरह, कुछ भी हो, ठीक है, कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो उस केस में अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो टोटल वर्क डन कितना होने वाला है? ज़ीरो होने वाला है। ये तो है ही, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक चीज़ और बताते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो इसने कुछ तो काम करा होगा। अगर इसने काम करा है, तो वर्क डन हम लोग ज़ीरो कैसे ले रहे हैं? ये ज़ीरो इसलिए रह रहे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसने कुछ वर्क करा, तो कुछ वर्क डन करा ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ना कुछ कम हुई होगी। जब भी हम लोग कुछ वर्क डन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, ये चलो हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ने वाले, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही, लेकिन ए से बी तक जाएगा, अगर उसने कुछ काम करा, कुछ मेहनत करी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ए से बी तक अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगा, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, नेगेटिव वर्क डन है इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई ना, वो इस पाथ तक वापस यहाँ पे आके गेन हो जाएगी। इसका मतलब ए पॉइंट पे जो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना, पूरा पाथ कंप्लीट करने के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है। हमने ये बात बोली। और हमारी जो वर्क एनर्जी की थ्योरम है ना, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलता है, इसका मतलब हमारे पास तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेम ही काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज हमने बोला यहाँ से किसी एनर्जी से स्टार्ट करा काइनेटिक एनर्जी, ए से बी तक जाते जाते वो कम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस उल्टी डायरेक्शन में बी से ए तक आएगा, वो वापस गेन हो जाएगी। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे ना, तो इसमें कोई भी हीट प्रोडक्शन, लाइट एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो रबिंग की वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से, ऐसा कुछ होता ही नहीं। फ्रिक्शन तो है ही नहीं इसका पार्ट, तो हम लोग उसकी बात करेंगे नहीं, लेकिन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे, तो उसमें कोई हीट प्रोडक्शन नहीं होता है, किसी टाइप की लाइट नहीं निकलती है, तो इसकी वजह से और कोई हीट का लॉस होने के और कोई चांसेस है ही नहीं। तो इसकी वजह से जिस एनर्जी से इसने स्टार्ट करा, यहाँ पे कम हुई और इस रास्ते तक आते थे, वो वापस गेन हो गई। अगर किसी टाइप का लॉस होता ना, हीट प्रोडक्शन होता, लाइट निकल जाती, तो वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर हो जाती, तो उस केस में हमारे पास फाइनल एनर्जी सेम नहीं रहती। लेकिन जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, उसमें भी मेनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ना, तो उसमें किसी भी टाइप का हीट प्रोडक्शन, लाइट वगैरह एनर्जी नहीं निकलने वाली। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लोग बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अगर चेंज इस काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जीरो, तो इसका मतलब हमारा वर्क डन भी जीरो, और वही चीज़ हमारा कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलता है। तो हम लोग दोनों ही तरीके से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। और जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने मान लिया कि हमको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या फिर जब किसी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो एनर्जी ज़ीरो आएगी, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक कोई इंसान है, आदमी है, ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता, इस बार हमारा जो सरफेस है ना, वो स्मूथ नहीं होके क्या है? रफ़ है। अगर रफ़ सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे ही करेंगे। तो अब हमें निकालना है कि इस आदमी ने फ्रिक्शन, हमें जब भी वर्क डन निकालना होगा ना, हमको फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं, अगर कुछ नहीं गिवन है तो। तो यहाँ पे हम लोग बोझ रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता, और मैं दो पाथ ले रही हूँ कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे वापस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट भी वापस इसका यही आने वाला है, तो हमारा टोटल वर्क डन जीरो होना चाहिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता तो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग लेते हैं कि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, सरफेस रफ है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। ये तो हमने फ्रिक्शन में अच्छे से पढ़ा है कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, तो उसको अपोज करता है, तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में वो लगने वाला है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होने वाला है
ये एफ है, ये एस है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो माइनस का एफ एस, बिकॉज कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। चलो ठीक है, माइनस का एफ एस हो गया, अब यहाँ पे आ गया, अब फिर से ही इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस डायरेक्शन के अंदर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन इसमें पीछे वाले डायरेक्शन में लगेगा, कि बिकॉज फ्रिक्शन का काम ही यही है, वो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर लगाएगा, इधर जा रहा है तो पीछे की साइड लगाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन। इसको डब्ल्यू एफ वन ले लेती हूँ और डब्ल्यू एफ टू निकालू, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, देखो 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव होने वाला, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस। अगर अब मैं टोटल वर्क डन निकाली ना, तो कितना आ रहा है, माइनस एफ एस, यानी माइनस का 2 एफ एस, या फिर अगर इसको आपको वैसे लिखना है तो माइनस का 2 म्यू एन, या फिर माइनस का 2 म्यू एम जी, अगर हमको कॉफिशियन वगैरह दे रखा है तो। क्या ये वर्क डन जीरो आया, नहीं आया, और हमने तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था वापस उसी पॉइंट पर आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस एस सेम लिया है हमने, लेकिन वर्क डन जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, इसके अलावा अगर हम लोग लिक्विड में विस्कस विस्कोसिटी जो होती है उसकी बात करें, जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो फोर्सेज अपोजिंग फोर्सेज होते हैं ना, अपोज करते हैं मोशन को, वो सारे फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर आते हैं। ओके, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा और उसको प्रूव भी करा कि कैसे वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, और हमने फ्रिक्शन का एग्जांपल लेके भी प्रूव करा कि किस लिए फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बिकॉज उसमें इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क डन जीरो नहीं आता है। तो अगर मैं बात करूँ ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो ये ऐसे फोर्सेज है जिसके अंदर जो पाथ पे डिपेंडेंट करते हैं, पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते, जिस पाथ से जा रहे हैं ना वो पाथ बहुत मैटर करता है। अगर हम लोग बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स या फिर किसी भी टाइप का अपोजिंग फोर्स हो रहा है ना, अपोजिंग फोर्स, तो वो जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है वगैरह, इन सब की वजह से, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आएंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ऐसे कुछ हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे आप प्रूव करोगे मैथमेटिकली कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, जैसे फंक्शन है ना कोई फोर्स, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एफ एक्स डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एफ जेड डेल्टा वाई, या फिर क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स और जेड बाकी है ना, हाँ डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एफ जेड अपॉन डेल्टा एक्स। अगर ये तीनों कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन, किसी एक कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर तीनों की तीनों कंडीशन हमारी सही प्रूव होती है ना, हमको फंक्शन जो फोर्स है ना वो दे रखा है कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस टर्म में दे रखा है, और अगर आपने तीनों की तीनों कंडीशन प्रूव कर दी ना, तो इसका मतलब वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा लेते हैं सिर्फ प्रूव करने के लिए, तो हमने ले लिया एफ इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप, एकदम सिंपल सा लेते ताकि हम लोग प्रूव कर सके, 3i cap plus 3j cap। अब सबसे पहले निकालो, आपके पास देखो fx कितना है 3 है और fy भी कितना है 3 है, मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखो अब आप देखो डेल्टा fx, अब सिर्फ x और y में ना, तो हमारे पास दो कंडीशन होगी, डेल्टा fy अपॉन डेल्टा x, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है। अगर ये सही प्रूव हो जाता इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाए, डेल्टा एफ एक्स, एफ एक्स कितना है कांस्टेंट है, उसका वाई की टर्म में कितना आएगा जीरो, एफ वाई कितना है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस एक्स की टर्म में क्या आएगा जीरो, जीरो जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाया, थोड़े से इसके टर्म्स में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन आएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। तो अब देखो अब इसमें एफ एक्स कितना आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और एफ वाई कितना आ रहा है
एफ वाई आर है 3xy2। अब यहाँ पे ये करके देखो तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा वाई कितना आ रहा है, ये आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में करें ना तो 6xy आएगा, वाई का नहीं होगा, वाई को कांस्टेंट रख के बाकी वाले टर्म का करना पड़ेगा। उसी टाइप से अगर मैं डेल्टा एफ वाई कर एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 6xy, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से टाइप का फोर्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है फोर्स का वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो बस इतना सा है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी, उसी टाइप से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी ना कि कोई बॉडी मोशन में होती है उसके पास कुछ वेलोसिटी होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो टाइम के साथ, जैसे वेलोसिटी अगर टाइम के साथ बढ़ रही है ना तो हम लोग बोलेंगे इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ, जैसे हम लोग किसी पार्टिकल को ऊपर की साइड फेंकते थे हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो दोनों ही केस में हमने बात करी, तो जिस वेलोसिटी से हम लोग पार्टिकल को फेंकते हैं ना एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके वो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती थी। अगर हमने कुछ ऐसा लिया, यहाँ से कुछ वेलोसिटी दी है यू, तो यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती थी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हुई है, कम हुई है। तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हुई ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई है, कम हुई है। ये अलग बात है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो हम लोग जब मैकेनिकल एनर्जी वाला बात करेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इन जनरल अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ ना तो टाइम के साथ साथ तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। फिर यहाँ पर अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया और कंप्लीट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। फिर जैसे जैसे पार्टिकल वापस नीचे आता है ना वेलोसिटी फिर से गेन होती है। हाँ, इतनी की इतनी हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिकॉज इसमें ना एक्चुअल में काफ़ी एयर का फ्रिक्शन लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी सेम उतना आना पॉसिबल। अगर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं हो ना, एकदम आइडियल हम लोग कंडीशन लें तो हो सकता है कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसके अंदर। तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी फिर से गेन हो जाती है, तो यहाँ पे वापस से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मल हमने जब बताया कि जब मोशन में होता है और उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। तो जिस टाइप से काइनेटिक एनर्जी में हम लोग मोशन की बात करें ना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम की उसके जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, इंटरनल एंटिटीज़ मैं बोलूँगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंटरनल एंटिटीज़ या इंटरनल जो बॉडी, इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की, उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर मैं बोलूँगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी कि बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसकी वजह से होती है। बॉडी की अगर शेप में, साइज़ में कुछ चेंज आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आया, चेंज आया। तो अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की अकेली पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, हम नहीं बता सकते पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी किस टर्म में डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग चेंज बता सकते हैं कि इस सिस्टम से उस सिस्टम में कितना चेंज आया, लेकिन अलग अलग बताना कि इसकी कितनी है वो पॉसिबल नहीं है। वो जो हम लोग लिखते हैं ना वो किसी रेफरेंस पॉइंट को लेके लिखते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इन जनरल मैं बता रही हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टोटल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन, देखो काफ़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, कि जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो किसी की बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज होता है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ चेंजेस हुआ, उनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे, इंटरनल फोर्सेज लग रहे, उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। और किसी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है ना, उसके शेप में, साइज़ में चेंज आता है, तो वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। अकेली पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टोटल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिकॉज हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तो हम लोग इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टोटल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ICF लिखते हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं होंगे, क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, उनकी वजह से जो चेंज आएगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। और ये नेगेटिव साइन किस लिए आता है, ये नेगेटिव साइन इसलिए आता है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, इसमें इंटरनली कुछ वर्क डन करा, कुछ भी इसके अंदर काम होगा, ठीक है, बढ़ रही है, हमने सिस्टम पे वर्क करा है, ठीक है। हम लोग जब सिस्टम पे वर्क करें तो सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी दे रहे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अभी तक हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी नहीं पढ़ा है, तो फिर भी थोड़ा सा एक बता देती हूँ कि टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। अगर हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड की इतनी वैल्यू होगी, और उस फिक्स्ड वैल्यू में से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी ना, बिकॉज दोनों की वैल्यू अगर 10 है तो हमें 10 ही चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी मान लो स्टार्टिंग में 5 थी, काइनेटिक एनर्जी अब 7 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 3 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, बिकॉज हम लोग वर्क डन कर रहे हैं किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इसलिए नेगेटिव साइन रहता है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, कि ये सिस्टम के कॉन्फिगरेशन में चीज़ें। देखो इसको एक समझने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ चलो कि कोई भी टेबल की बात नहीं करते, हाँ टेबल की बात करते, चलो कोई भी टेबल है उसके ऊपर कोई भी बुक पड़ी है जिसका मास m है, ठीक है, इसका मास m हो गया। अब आपने इस बुक को उठा के थोड़ा सा ऊपर हाइट तक ले गए, अपने हाथ में ले लो कि बुक है और मैं इसको उठा के थोड़ा ऊपर तक ले गई, तो इस पूरे केस में बुक की काइनेटिक एनर्जी, मैं बात कर रही हूँ किसकी काइनेटिक एनर्जी, बुक की काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो हमने इन जनरल पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे अगर मैं एम जी की बात करूँ, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बात करूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है। तो मैं बोलूँगी हाँ आप बुक को ऊपर लेके गए तो ये हो गया एम जी एच, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया है कि काइनेटिक एनर्जी कॉन्फिगरेशन, बॉडी की कॉन्फिगरेशन में चेंजेस आते हैं ना, उसकी मैं बुक ऊपर लेके गई, मैंने बुक को ना फाड़ा ना मोड़ा ना फेंका ना कुछ करा, तो उसके कॉन्फिगरेशन में तो कोई चेंज नहीं है, वो जैसी थी वैसे की वैसे मैं उसको ऊपर ले गई, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहाँ से आया, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम जब ये लिखते हैं ना, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, बिकॉज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बुक की भी होती है, उसके साथ में क्या होती है, अर्थ की, अर्थ है, पूरा का पूरा सिस्टम अर्थ के ऊपर है। तो अगर कुछ चेंजेस करें तो हम लोग अर्थ से उस चीज़ की हाइट चेंज करें। फॉर एग्जांपल ये हमारा सरफेस, यहाँ पे कुछ सरफेस है अर्थ का, यहाँ से इसकी हाइट कुछ थी आर, अब हम लोग कुछ ऊपर डिस्टेंस पे ले गए तो ये हाइट कितनी हो गई, आर प्लस एच, ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं ना एम जी एच, तो ये तो जीरो होती है, ये होती है यू अर्थ के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है एम जी एच, तो ये समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमने बताई कि हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इनिशियल है और ये हमारी फाइनल है, और हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, यू एफ माइनस यू आई लिखते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि जो इनिशियल है ना वो जीरो है, जीरो किसके, हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से इसी पॉइंट की हाइट तो क्या हो जाएगी, जीरो होगी, और यहाँ पे हाइट एच है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं यू एफ माइनस जीरो, इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, तब ये हमारी क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब हम लोग हमेशा बात चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की ही करते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई रेफरेंस लेवल, हमारा एक लेवल लेके चलते हैं जहाँ से हमको सारे मेजरमेंट्स करने हैं। उसी केस में क्या होता है ना, जब एम जी एच की डायरेक्शन होती है ना, वो भी हम लोग इसे फाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, इससे ऊपर हम लोग गए ना तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू एम जी एच, और इससे नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं ना ग्राउंड से, जो हमने रेफरेंस लेवल लिया उससे नीचे, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा यू क्या लिखते हैं, माइनस का एम जी एच। तो ये डायरेक्शन को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस टाइप से ही हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर और क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो भी अलग अलग टाइप की होती है. कौन कौन से अलग अलग टाइप की होती है? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया. पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, स्प्रिंग एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है. इसमें भी अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो सब हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर आपका आगे आने वाला है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो वाला पार्ट है वो आपकी 12th क्लास में, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ नाम है आपके खुद के, सिलेबस में भी इतना ये सब कुछ नहीं है, लेकिन स्प्रिंग एनर्जी आपके सिलेबस में है. स्प्रिंग एनर्जी. अब हम लोग बोलेंगे कि हमने स्प्रिंग की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों बोला है. तो इसका रीज़न ये है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना, तो हम लोग किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस की बात करेंगे. सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी शेप में, उसके साइज में चेंज आ रहा है. तो जब भी हम लोग शेप या साइज की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. और स्प्रिंग में क्या होता है, देखो स्प्रिंग में क्या होगा, या तो हम लोग स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच होगी, या फिर अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगी, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों ही केस में हम लोग उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसके इंटरनल, उसके शेप में, उसके साइज में चेंज कर रहे हैं, उसको ऐसे खींच रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको कंप्रेस करके एकदम टाइट कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोग इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब इसकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करना है, तो देखो हमने एक फोर्स पढ़ा है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ये स्प्रिंग वाला फोर्स होता है. इसमें माइनस साइन क्यों लगता है? बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है. तो चलो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारी स्प्रिंग है और ये यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे इसका नेचुरल लेंथ है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा रेफरेंस है. हमने बोला ना कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये हमने रेफरेंस ले लिया. अब मैंने इस पर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और उसको स्ट्रेच करके कहाँ तक ले आई, यहाँ तक लिया. फॉर एग्जांपल ये x1 है और ये x2 है, ठीक है? ये x1 लेंथ है और इसको स्ट्रेच करने के बाद ये कितना हो गया, x2 लेंथ हो गया, ठीक है? ये टोटल x1 है और ये टोटल x2 है, ऐसे बता रही हूँ मैं. और नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, x1 है. ये x1 कर दो इसको, ठीक है? अब मुझे निकालना है कि जब मैंने इसको x1 से x2 तक खींचा ना, स्ट्रेच करा ना, तो हमने कितना वर्क डन करा. तो सबसे पहली बात, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क डन होगा बिकॉज हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या करें, चेंज करें. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारी डेफिनेशन बोलती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, माइनस का वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये होता है तो डी यू, और ये फोर्स हमको पता है कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स. ये तो हमने पढ़ा है, चलो ठीक है, ये भी पढ़ा है. अब आप देखो आपको इसको कैसे करना है, मैं इसको हटा देती हूँ. सॉरी, माइनस का वॉट, माइनस का एफ डॉट डी एक्स. अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है ना, उसकी वैल्यू हमने गिवन है कितनी है, माइनस का के एक्स गिवन है. तो ये हो जाएगा डी यू इक्वल्स टू माइनस, और ये हो जाएगा के एक्स. हम लोग पहले ना वर्क डन निकालते हैं ताकि चीज़ इजी हो जाएगी. पहले हम लोग निकाल देते वर्क डन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. चलो ठीक है, अब लिमिट देखो, आप इसको एक्स वन से स्ट्रेच करके एक्स टू तक लेके जा रहे हो, यही इसकी लिमिट लगेगी. तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का, ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट लग जाएगी एक्स वन से एक्स टू. आप इसको आगे और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का के एक्स टू स्क्वायर अपॉन टू माइनस हाफ का के एक्स वन स्क्वायर होगा. चलो ठीक है, हो गया. अब आप देखो, हमें पता है कि वर्क डन, हमें पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का डब्ल्यू हो जाएगा. अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो हमें पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं, और इनिशियल हम लोग है ना, जो हमने स्प्रिंग का पॉइंट लिया है ना, तो ये जो x1 वाला नेचुरल लेंथ थी ना, ये हम लोग रेफरेंस लेवल लिया है. तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक है? तो हम लोग इसको जीरो कर देते हैं, एफ माइनस जीरो. और वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का वर्क डन, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, या फिर यू एफ, या फिर हम लोग इसको हमारी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, कितना आ जाएगा, हाफ के
एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब जब लोग हम लोग स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। या फिर इसका अगर और जनरल फॉर्म में लाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने माना कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये जो नेचुरल लेंथ है ना रेफरेंस लेवल, इसको हम लोग जीरो ले लेते कि यहीं से स्टार्ट करा और यहाँ से एक्स डिस्टेंस तक, यहाँ तक कहीं पर ये स्ट्रेच हुई, तो इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के, और एक्स टू कितना है, एक्स एक्स वन को हमने ले लिया जीरो के, हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था, हम लोग यहाँ से ये वाली लेंथ नहीं लेके यहीं से ले लेते, कितना जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर, तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको एक्स डिस्टेंस तक, जितनी डिस्टेंस तक हमने स्ट्रेच करा था सिर्फ वो होनी चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में भी होता ना तो भी क्या होता, सेम फॉर्मूला होता, बिकॉज हम लोग एक्स का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका। अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्वेशन से करती ना तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी की बात करें तो हमें वही कंसेप्ट लगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है यू, फाइनल वेलोसिटी है वी, और जब ये यू, ये कोई ब्लॉक है, हमने मान लिया इसकी डिस्प्लेसमेंट है एक्स, सॉरी इसकी जो विड्थ है वो एक्स है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और यहाँ पे क्रॉस करके जब बाहर आता है ना तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है वी, लेकिन जब ये यू से वी का डिफरेंस आता है ना वो कितना आता है, वन बाई एन ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यू माइनस वी इक्वल्स टू यू बाई एन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का एन गुना एंथ टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब आ जाती है फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग इसको कुछ इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, यहाँ से वी निकालो यू बाई एन, और ये हो जाएगा यू वन माइनस वन बाई एन, या फिर वी इक्वल्स टू यू एन माइनस वन अपॉन एन हो जाएगा। अब देखो सॉरी, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस पूरे केस में वर्क डन कितना हुआ है, हमने माना कि यहाँ पे हमने लगाया था फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक्स, तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, दैट इज यू स्क्वायर एन माइनस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, कॉमन लेके ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और ये इसको एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस का वन, और आगे सॉल्व करो हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा एफ एक्स इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, वन माइनस टू एन अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो, अब हमने क्या बोला है कि हमने ऐसी x डिस्टेंस वाली ना बहुत ज़्यादा खूब ज़्यादा ब्लॉक लगा दी, इतनी ब्लॉक लगा दी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं कि p नंबर ऑफ ब्लॉक है, वन टू थ्री फोर p नंबर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पी एक्स, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पे इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि टू स्टॉप द बुलेट, तो स्टॉप का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ ना, तो वर्क डन क्या होगा एफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है पी एक्स, इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एम यू स्क्वायर, और फाइनल तो क्या हो जाएगी जीरो, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग इसकी एफ एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते, तो ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय हाफ एम यू स्क्वायर और वन माइनस टू एन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा दो, बिकॉज हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल जीरो हो जाएगी माइनस इनिशियल, तो माइनस का आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई टू एम यू स्क्वायर, इससे पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, और पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, पीछे हमारे पास बच रहा है पी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू एन, या फिर हम लोग पी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा
डिजर्ट। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे आपको एग्जाम में कोई पूछने तो वाला है नहीं कौन से तरीके से करना है, तो आप कोई से भी तरीके से करूँ, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो और भी ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक चेन वाला क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एस सी वर्मा वगैरह की बुक्स है ना उसमें ये क्वेश्चन हुआ करता था, अभी भी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है और यहाँ से हमने कोई चैन रखी हुई है नीचे की डिरेक्शन में ऐसे, तो हमें इस चैन का, ये हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है इसकी, आर है, और एग्जैक्टली हाफ पे रखी हुई है। अब हमको निकालना है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो हम लोग इन जनरल क्या करते थे, अगर ये मास यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं होता, सिंगल मास होता ना, तो हम लोग सीधा क्या ये हाइट ले लेते और हमारे पास एम जी एच आ जाता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें एक सिंगल मास नहीं है, अगर मास ज़्यादा हो ना कि वो एक लेंथ भी कवर कर रहा है, तो वहाँ पे से सिंपल एम जी एच लगा के काम नहीं चला सकते हो। आपको उस केस में छोटे से कंपोनेंट्स लेके इंट्रीगल मेथड यूज़ करके करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये एंगल ले लिया थीटा, ये स्मॉल एंगल ले लो डी थीटा, और ये स्मॉल सा पार्ट, ये इतने सा पार्ट मान लिया, इसका मास कितना डी एम, हमने मान लिया टोटल मास है एम और स्मॉल पार्ट का मास कितना है डी एम। तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ सिर्फ इस मास के लिए, तो इसके लिए मेरे पास वो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी यू डी यू लिख सकते हैं हम इसको, डी यू इक्वल्स टू माइनस का होता है वर्क डन, तो ए एफ, चलो ये वर्क डन वाला साइन हम लोग बाद में लगा देंगे या पहले ही लगा लो, माइनस एफ वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अरे चलो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लोग सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखाते हैं, डी यू इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, मास कितना है डी एम जी, हाइट कितनी है, हाइट आपको लेनी पड़ेगी इस मास की हाइट ये, या फिर ये ले लो कोई भी ले लो, तो ये एंगल थीटा है, ये वाला जो साइड होगा ना वो क्या उतना हो जाएगा, और ये आर है ना, तो ये आर कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये कॉम्पोनेंट्स लेना मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो ये लिख दो आर साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे डी एम नहीं होता, सिर्फ थीटा की टर्म में यहाँ पे डी थीटा होता ना, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता, हम लोग सिंपली थीटा की क्या लगा देते, लिमिट लगा, थीटा कहाँ से, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 लगा के हो जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होने वाला, बिकॉज हमारे पास डी एम है और डी थीटा नहीं है, जब तक डी थीटा नहीं आएगा ना तब तक हम लोग इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इस डी एम को चेंज करना पड़ेगा किस में, डी थीटा में। वो कैसे करेंगे, हम लोग लेते हैं ये छोटा सा वाला पार्ट जो हमने अभी लिया, ये क्या है डी एम है, ये कितना है आर है, ये कितना है डी थीटा है, ठीक है। हमारी जो डेफिनेशन बोलती है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो उससे डी एम कितना आ जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। टोटल पूरी इस चैन का मास कितना एम है, तो अगर और इसकी मास, इसकी लेंथ कितनी है, ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की पूरे की लेंथ कितनी होती है पाई आर, और ये उसका भी आधा है, तो पाई आर अपॉन टू हो जाएगा। तो हम लोग बताएंगे कि पाई आर अपॉन टू लेंथ का मास कितना है एम है, इस टोटल का मास कितना एम है, उसकी लेंथ कितनी है पाई आर अपॉन टू, तो एक सिंगल यूनिट का मास कितना होगा एम डिवाइडेड बाई पाई आर बाई टू, और हमें निकालना है किसका मास, डी एम का मास, सॉरी आर डी थीटा, ये लेंथ हो जाएगा ना हमारे पास, देखो ये डी एम मास है, लेकिन ये इसकी लेंथ जो है ना डी एम, वो किसके बराबर होगी आर डी थीटा, और हमें थीटा की टर्म में चीज़ें चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डी एम, सॉरी आर डी थीटा मास है ना इसका, सॉरी लेंथ है, इसका मास कितना होगा, ये होगा टू एम पाई आर, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा टू कैपिटल एम अपॉन पाई डी थीटा, ये आर डी थीटा लेंथ का मास आया है, ठीक है। और आर डी थीटा लेंथ का मास किसके बराबर है डी एम, तो हम लोग डी एम की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर से समझा देती हूँ अगर नहीं समझ में आया, हमने ये पूरा का पूरा जो सीन है वो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, ये मास डी एम है, इसकी लेंथ ये डी एम है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एंगल की डेफिनेशन से आर डी थीटा, और जो डी एम मास है वही आर डी थीटा क्या है लेंथ है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है पाई आर बाई टू, उसका मास कितना है एम, वन यूनिट का क्या हो जाएगा एम अपॉन पाई आर बाई टू, और आर डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा ये, और आर डी थीटा लेंथ ही तो क्या है हमारा डी एम मास है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो,
तो जाएगा डी यू इक्वल्स टू डी एम की जगह रख दो 2m अपॉन पाई, फिर डी थीटा, फिर जी, फिर आर, फिर साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो तो ये हो जाएगा 2m अपॉन पाई कांस्टेंट है, उसके अलावा g और r भी कांस्टेंट है, सबको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। और अब आ गया हमारे पास डी थीटा। अब हम लोग लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट होगी 0 से 90 डिग्री, 0 से 90। तो इसको और आगे सॉल्व करो 2m g r अपॉन पाई, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और 0 से 90 डिग्री, यही होगा ना माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा। ठीक है चलो, अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं ये हटा दूँ, यहाँ पे सॉल्व करो आप, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा डी यू। अब इसका भी इंटीग्रेशन लो ना साथ में, तो ये हो जाएगा यू इक्वल्स टू, ये लगा सकते हैं यहाँ पे यू इनिशियल यू फाइनल। तो यू इनिशियल जो होगा ना, अगर हमने ग्राउंड से यहीं से लिया है तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू जीरो, और ये यू फाइनल यही हमको निकालना है, वो कितना आ जाएगा यू फाइनल डी सॉरी यू फाइनल इक्वल्स टू व्हाट 2m g r पाई बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन पे हमने ओपन कर दिया है माइनस कॉस 90, माइनस कॉस 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कॉस का 0 डिग्री, इसकी वैल्यू तो क्या होती है 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आने वाला है 2m g r अपॉन पाई, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसकी, चेन की। तो ये एक टाइप से एक अलग ही पूरा डेरिवेशन है, क्वेश्चन ही डेरिवेशन है, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर कुछ चेंज कर देंगे इसके, इसकी रेडियस दे रखी होगी, मास दे रखा होगा, और आपको पूछा होगा इसका ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये पूरा का पूरा मेथड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुरानी बुक्स होती थी ना एचसी वर्मा वगैरह की, उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसे फेमस टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था, तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे करना है। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ख़त्म जाती है, इसके अलावा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हो तो आप लोग सॉल्व करना, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। देखो मैं यहाँ पे कोई 50-100 न्यूमेरिकल्स तो नहीं करवा सकती, फिर तो हम लोग पूरे साल में सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर भी हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एक केस होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, और एक क्या होता है न्यूट्रल। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट करके ख़त्म करते हैं। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ये होते हैं इसके तीनों केसेस। सबसे पहले जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें ना, इक्विलिब्रियम की बात करना इसका मतलब वर्क डन इज ज़ीरो, या फिर नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। हम लोग वर्क डन नहीं लेते, हम लोग लेते हैं एफ नेट इज़ ज़ीरो। जब भी किसी बॉडी पर, किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी इंसान पे, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो गया, इंसान ने कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उस पर अगर नेट फोर्स जीरो, मैं एक सिंगल फोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं ग्रेविटेशन नॉर्मल वगैरह, लेकिन टोटल और ओवरऑल जो उनका सम होगा ना नेट फोर्स, अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में। और जो इक्विलिब्रियम है ना वो भी तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। ये हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है उसका मतलब क्या है, एफ नेट इज व्हाट, जीरो। अब हम लोग बात कर रहे हैं एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, डी यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डी यू इक्वल्स टू माइनस का एफ डॉट डी आर। डी आर मतलब एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, अगर सिर्फ एक्स में लिखना है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एफ डी एक्स। और इस डेफिनेशन से आप एफ की वैल्यू भी ले सकते हो, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, अगर एफ एक्स की बात कर रही हो, और नॉर्मल एफ की बात कर रही हो ना तो ये हो जाएगा माइनस का डी यू अपॉन डी आर। और हमें पता है कि जब भी हम लोग किसी के डिफरेंशिएशन की टर्म की बात कर रहे हैं ना तो उसका मतलब हम लोग किसी ग्राफ में स्लोप की बात करिए, हमने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और हम लोग बोल रहे हैं कि एफ नेट जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, इसका मतलब डी यू अपॉन डी एक्स लेते हैं, चलो लेके चलते, ये कितना है ज़ीरो। इसका मतलब किसी एक्स का ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्राफ का स्लोप क्या हो ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ है, अब देखो यहाँ पे स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, टेंजेंट निकालते ना, तो यहाँ पे टेंजेंट एकदम नॉर्मल आ रहा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आ रहा, तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, और यहाँ पे भी स्लोप ज़ीरो है, तो ये तीनों ही पॉइंट होंगे ना वो हमारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के
पॉइंट होंगे जहाँ जहाँ पे स्लोप जीरो है ग्राफ के अंदर, उधर हम लोग मानेंगे कि डी यू अपॉन डी एक्स, जिन भी दो के बीच में ग्राफ बन रहा है ये यू और एक्स के बीच में बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वो तीनों ही हमारे ग्राफ में तीन पॉइंट है ना, हम तीनों की बात करें, तीनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब हमें पता पड़ गया कि इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, जहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा या फिर ग्राफ का स्लोप जीरो होगा। लेकिन इनमें से कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है वो कैसे पता पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो पहली कंडीशन तो सेम है, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, यानी डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है डी स्क्वायर अपॉन यू डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जो हमारी मिनिमा वाली कंडीशन थी ना, ये सारी चीज़ें देखो हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर में, तो उसी से ही आ रहा है कि डी यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो वो हमारी मिनिमा वाली कंडीशन थी ना, वही हमारी स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। द रीज़न इज देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, आप देखो यहाँ पे तीनों ही जगह पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे भी ज़्यादा होगी, तो सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है यानी मिनिमा वाली कंडीशन, वो हमारा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। द रीज़न इज कि हम लोग ले लेते कोई एक सरफेस, सर्कुलर सरफेस, यहाँ पे हमारे पास कोई बॉल पड़ी है। अब देखो ये यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इसको हम लोग हमारे क्या बोल रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। स्टेबल किस लिए बोल रहे हैं, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा पुश करो, धक्का लगाओ, फोर्स लगाओ, तो ये बॉल कुछ इतना ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ कवर करके आ जाएगी, उसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए जो हमने वर्टिकल सर्कुलर पाथ में बात करी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स दोगे ना तो इतना जाके ये वापस आ जाएगी, ये फिर से इसी पोजिशन पर आने की ट्राई करेगी, तो इसीलिए हम लोग इस पोजिशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि चाहे आप थोड़ा फोर्स दे रहे हैं तो वापस वो उसी कंडीशन पे उसी जगह पे आ जाती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इसलिए इसके यहाँ पे लिखा है शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। इसकी जगह अगर मैं बात करूँ अनस्टेबल, यहाँ पे हमने स्टेबल अनस्टेबल बात करी, और कुछ ऐसा होता है ना सीधा जहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, तो वो न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है, न्यूट्रल, ठीक है। तो अनस्टेबल की हम लोग बात करें तो अनस्टेबल में भी पहली कंडीशन सेम है, डी यू अपॉन डी एक्स जीरो होना चाहिए यानी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, दूसरी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो, ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, मैक्सिमा वाली कंडीशन ये हमारी होती है अनस्टेबल में। द रीजन इज देखो हमने ले लिया यहाँ पे कोई बॉल और यहाँ हमारा रेफरेंस लेवल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी हिपोसिफ टॉप वाली हाइट पे, इसीलिए हम लोग मैक्सिमा वाली कंडीशन लेते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी धक्का लगाऊँ ना तो ये यहाँ से नीचे आके यहाँ आ जाएगी, जो इसकी क्या है स्टेबल वाले पोजिशन, इसका मतलब स्टेबल पॉइंट वो होता है जहाँ पे अब थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ ना तो वो अपनी जगह चेंज कर लेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी वहाँ से, वो दोबारा उस जगह पे आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि ये इधर से धक्का दिया वापस ऊपर चढ़ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ और पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट जाता है और फिर दोबारा उस जगह पे नहीं आ पाता है वापस नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो क्या होता है अनस्टेबल पोजिशन। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल पोजिशन। तीसरा आता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रेट पाथ पे, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट स्मूथ क्या एक सरफेस ले लिया, यहाँ पे कोई बॉल है, आप यहाँ से पुश करोगे तो ये यहाँ पे जाके आगे यहाँ चली जाएगी, उसी पॉइंट पे रहेगी, ठीक है, उसकी जगह में चेंज नहीं होगी। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, डी यू अपॉन डी एक्स तो इधर भी जीरो, स्लोप इधर भी जीरो, लेकिन जो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना ये भी जीरो। द रीज़न इज कि जब भी हमने बोला है कि जब इसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, उसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो भी वो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा, बिकॉज ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन है उसी इक्विलिब्रियम में, अगर ये इस जगह पे है तो इधर ही रहेगा, खाली इधर से इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, मतलब हाइट नहीं लेता ये, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो ये हो जाता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप से तीनों इक्विलिब्रियम है, इस पर एक आधा न्यूमेरिकल कर देते हैं ताकि ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो हम लोग एक केस लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस का 12x,
ठीक है, अब हमें इसके अंदर बताना है कि किस पॉइंट पे हमारा कोई फंक्शन दे रखा है, इसको हम लोग कोई फंक्शन ले लो f, ठीक है, फंक्शन f। अब हमें बताना है कि यहाँ पे किस x की किस वैल्यू पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस वैल्यू पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग u की बात करें ना तो उसको u फंक्शन ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² अपॉन 3 - 2x - 12। अब देखो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स x² - 2x - 12, यही होगा, सॉरी ये 2 भी नहीं आएगा। अब हमें पता है कि हमारी कंडीशन सबसे पहले क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो x² - x - 12 = 0, आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x² - 4x - 3x और ये -12 = 0, तो ये हो जाएगा x - 4 - 3 और ये हो जाएगा, ऐसे होगा ना, ओ सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 3 ले लो, तो x - 4 = 0। तो हमारे पास दो सिचुएशन आई, x - 4 एंड x + 3, तो दो वैल्यूज आ गई x = 4 एंड -3। मतलब ये दो पॉइंट्स आए जहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली जगह सिचुएशन हो रही है, मतलब यहाँ पे स्लोप 0, लेकिन इनमें से कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है वो हमें अभी भी नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे d²u/dx²। तो आप निकालो इसका, वापस डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा 2x - 1 - 0, इसका मतलब ये आ रही है हमारे पास 2x - 1। अब हमें ये देखना है कि किस x की वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 आता है और किस पे लेस देन 0 आता है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं d²u/dx², इसकी वैल्यू निकालते हैं x = 4 पे, तो कितना आ रहा है 2 × 4 - 1, इसका मतलब कितना हो गया 8 - 1, इसका मतलब ये हो रहा है 7, और 7 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। हमने बताया ना कि जब भी ग्रेटर देन 0 आए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं d²u/dx², किस पे x = ये -3, हाँ -3 पे, तो अब देखो क्या हो जाएगा 2 × -3 - 1, तो ये हो जाएगा -6 - 1 विच इज -7, और -7 इज वॉट, लेस देन 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इस टाइप से सिंपली आपको पहले पॉइंट निकालना है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम होने वाला है, उसके बाद में आपको वो पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है d²u/dx² पे, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल, लेस देन 0 है तो अनस्टेबल। तो इस टाइप से आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी, अच्छा टॉपिक है ये भी। तो ठीक है, अभी आज के वीडियो के लिए काफ़ी लंबा हो गया है, अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू।